नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं प्रिय दर्शकों का। बुध ग्रह का गोचर हो रहा है। बुध ग्रह व्यापार संचार के कारक ग्रह हैं, वाणी के कारक ग्रह हैं। बुध 2 नवंबर को मित्र राशि तुला में गोचर करेंगे। ज्योतिष में बुध को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। देवताओं का दूत कहा गया है, मैसेंजर कहा गया है। बुध व्यापार है, वाणी है, कला है, गीत है, संगीत है, एक्टिंग है। बुध बढ़िया तो शिक्षा व्यापार वाणी सब कुछ बढ़िया, काम रोजगार नौकरी पेशा सब कुछ बढ़िया। बुध को भगवान विष्णु का स्वरूप भी माना जाता है। अगर बुध खराब है तो वाणी खराब, काम खराब और त्वचा संबंधी परेशानियां भी बुध दे देते हैं, स्किन प्रॉब्लम्स। 2 नवंबर दीपावली से ठीक 2 दिन पहले और धनतेरस वाले दिन सुबह लगभग 9:45 पर बुध तुला राशि अपने मित्र शुक्र की राशि में गोचर करेंगे। दीपावली से ठीक पहले होने वाला यह परिवर्तन क्या इस दीपावली में कोई परेशानी पैदा करेगा आपकी राशि के लिए या खुशियां लेकर आएगा, ये हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। आपकी राशि पर बुध के इस परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा जानते हैं विस्तार पूर्वक। आइए शुभारंभ करें। ये जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो ज्ञानवर्धक वीडियो वक्त से आपको मिल जाएंगी। शुभारंभ करते हैं आपकी राशि से। बुध आपकी राशि के लिए 6ठे व 3रे भाव के स्वामी हैं। सप्तम भाव में गोचर करेंगे। लग्न पर बुध की सीधी दृष्टि होगी। आपको लोग करिश्माई कहेंगे। आपके अंदर अद्भुत बयानबाजी का गुण होगा। जो बोलना चाहेंगे वो बोलेंगे। आप काम करेंगे और काम की तारीफ होगी। सुखद व प्रेरणादायी वक्त रहेगा। 7वें घर का बुध हमेशा अवसरवादी बनाता है। व्यक्ति मौके को छोड़ेगा नहीं, जो मौका आएगा उसको करके दाम कमाएंगे। जो भी काम करेंगे पहले सोचेंगे समझेंगे और उसके बाद ठीक तीर निशाने पर बैठ जाएगा। पहले निरीक्षण करेंगे, सोचेंगे समझेंगे जानेंगे और सफल हो जाएंगे। यानी गलतियों की गुंजाइश बहुत कम होती है, सफलता 100% तय होती है। आपके दिमाग में बहुत सारी योजनाएं बनेंगी, उनका प्रयोग करके बखूबी प्रयोग करके नया व्यापार लगा सकते हैं, नौकरी में बदलाव कर सकते हैं। नौकरी में बड़ा परिवर्तन होगा, शानदार होगा। परिवार के लोगों के साथ अच्छा मिलना जुलना होगा। परिवार के लोगों की शादी तय हो सकती है। परिवार में मांगलिक कार्य हो सकते हैं। आप बातूनी भी होंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। जवानी आपके ऊपर छाई रहेगी। महिलाओं के लिए यह गोचर पुरुषों से अधिक बढ़िया रहने वाला है। कलम की ताकत तलवार की ताकत से भी तेज होने वाली है। किसी को पैसा उधार ना दे। झूठी उम्मीदों झूठे सहारों पर अपनी जिंदगी को ना बिताएं इन दिनों में। अपने मतभेद दूर करने का ये वक्त है। जो तनाव जो टेंशन रिश्तों में है, दोस्ती में है, यारी में है, कहीं पर भी है, उसको दूर करने का ये शानदार वक्त है। रिश्तों में ईमानदारी रखते हुए आगे बढ़ें। अवैध रिश्तों में पड़कर अपने बुरे वक्त को दावत ना दें। कुछ भी करने से पहले दोबारा सोच लें, गलतियां नहीं करें, क्योंकि वक्त आपके पक्ष में है। वक्त शुभ बना हुआ है, दीपावली शुभ बनी हुई है। देवी माँ की उपासना करें, माँ दुर्गा की उपासना करें। मेष राशि वालों को बुध का आशीर्वाद मिल रहा है। हम कह सकते हैं कि धन दौलत की वर्षा और ज्ञान की वर्षा और तरक्की की वर्षा होगी। एक बार फिर आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। बुध ग्रह को अच्छा रखने के लिए आप अपनी बहन बुआ बेटी का ध्यान रखें और भगवान गणेश की आराधना करें। नमस्कार।